हेलो एवरीवन, एके बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर वेलकम। आज कनेक्टिव टिश्यू का जो ये पार्ट 3 है, जिसके अंतर्गत स्केलेटल टिश्यू के बारे में मैं आपको पूरा बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। इसके पहले दो पार्ट हो चुके हैं जिसमें मैंने आप लोगों को टाइप ऑफ टिश्यू, उसके बाद में कनेक्टिव टिश्यू का जो इसके पहले वाला वीडियो था उसमें मैंने पूरा कवर किया था जो भी इसके पार्ट थे, ठीक उसी के संदर्भ में आज ये कनेक्टिव टिश्यू का जो तीसरा पार्ट है जिसमें स्केलेटल टिश्यू है उसके बारे में आपको मैं पूरा यहाँ पर क्लियर करूँगा। कल जो बताया था उसमें मैंने जो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू हैं उनके बारे में पूरा क्लियर किया था, उसके अंतर्गत लूज कनेक्टिव टिश्यू, इलास्टिक, रेटिकुलर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप मेरा वीडियो देख सकते हैं और जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं लिंक भी शेयर कर दूँगा, वहाँ पर से भी आप दोनों पार्ट देख सकते हैं और समझ सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा और वीडियो आपके लिए अच्छा रहेगा, कम्पिटिटिव है, एकेडमिक है, सारी चीज़ें कवर की हैं पॉइंट वाइज, मैं हर वीडियो में ये बताता हूँ। चलिए टाइम ना बर्बाद करते हुए अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए जो स्केलेटल टिश्यू है, स्केलेटल टिश्यू मतलब वही कंकाल तंत्र से संबंधित ऊतक। इस टिश्यू की ओरिजिन मीजोडर्मल होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा जाता है कि जो टिश्यू है वो कहाँ से निकले हैं, तो ये कहाँ से ओरिजिनेट हुए, तो इम्ब्रॉयनिक मीजोडर्म से इसकी ओरिजिन हुई है। स्केलेटल टिश्यू सपोर्टिंग टिश्यू होते हैं, दिस नो वेरी वेल, जो हमारा कंकाल तंत्र, आप उसी से समझ जाइए, कंकाल हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो सपोर्ट करता है, हमारा जो पूरा ढांचा है वो इसी पर बेस्ड है। तो इससे संबंधित जो टिश्यू हैं स्केलेटल टिश्यू, वो भी आपके क्या हैं, उनका मेन फंक्शन है सपोर्ट करना, जहाँ जहाँ पर होंगे उनको सपोर्ट करेंगे, टेक्सचर प्रोवाइड करेंगे। तो ये निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, यानी जो स्केलेटल टिश्यू है मेनली दो कैटेगरी है, फर्स्ट है कार्टिलेज और दूसरा है बोन, इन्हें ओसियस टिश्यू भी बोलते हैं। तो इसी के क्रम में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कार्टिलेज की, पहले हम लोग बात करेंगे कार्टिलेज क्या है, इसके क्या फंक्शन है वो मैं पूरा बताऊँगा, देन उसके बाद आपको बोन्स के बारे में बताऊंगा कि बोन्स क्या होती हैं, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं अगला स्लाइड। एक फिगर मैंने यहाँ पर लगा रखा, पहले इसको आप लोग समझ स्लाइड में देखिएगा। ये पहले तो ये समझने की बात है कि कार्टिलेज होती कहाँ, ये हैं कहाँ पर, प्लेस कहाँ है। तो ये जैसे एक बोन है, इस बोन में आपको ये कार्टिलेज दिख रही होगी, दिस, इस रीजन को कार्टिलेज बोलते हैं। बाकी ये लिगामेंट है और उसके बाद साइनोवियल फ्लूड है, ये जो हमारा घुटना होता है वहाँ पर, ये मैंने फिगर लिया है पूरा, ये जो आप देख रहे हैं ये दोनों लेग के बीच का जो पार्ट है घुटना, वहाँ का ये है, इसके अंदर फ्लूड भरा रहता है, ये फ्लूड जब नहीं रह जाता तब हड्डियाँ ये रगड़ने लगती हैं, उसी को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो हाँ, यहाँ पर हम लोगों को कार्टिलेज समझना है, तो कार्टिलेज बेटा ये आपको वाइट कलर की दिख रही है, दैट इज़ द कार्टिलेज। सिंपल सा कार्टिलेज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो आपका कान होता है इस कान को पकड़िए, तो ये फ्लेक्सिबल बोन होती है, जो उसी को कार्टिलेज बोलते हैं, सख्त नहीं, हार्ड नहीं, फ्लेक्सिबल बोन होती है, दैट इज़ कॉल्ड कार्टिलेज। चलिए अब कार्टिलेज की प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं, कौन कौन सी कार्टिलेज हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं क्या क्या हैं। पहला पॉइंट है कार्टिलेज सॉलिड एवं फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू हैं, ये सॉलिड भी होती हैं और क्या है, फ्लेक्सिबल है, लचीली होती हैं। नेक्स्ट, कार्टिलेज चारों तरफ से डेंस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा घिरी रहती हैं, जिनको पेरिकोंड्रियम कहते हैं। ये पूछा भी गया है नीट में कि जो कार्टिलेज की आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, पेरिकोंड्रियम। नेक्स्ट पॉइंट अगला, तीसरा पॉइंट है कार्टिलेज में पाए जाने वाली सेल को कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं, ये भी पूछा गया है कि द सेल विच इज़ फाउंड इन द कार्टिलेज उसको क्या बोलते हैं, तो कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। अब कैटेगरी की बात कर लेते हैं, तो कार्टिलेज जो होती हैं वो निम्नलिखित तीन प्रकार की होती हैं, थ्री टाइप ऑफ कार्टिलेजनेस आर फाउंड इन। तो ये कौन कौन सी तीन टाइप की हैं, जो पहली है को बोलते हैं हाईलाइन, फुल नेम है इसका बेटा है हाईलाइन कार्टिलेज। प्लीज़ आप लोग कॉपी पेन जरूर रखिए अपने पास में, हर वीडियो में मैं कहता हूँ हाईलाइन कार्टिलेज क्या, इसको समझते हैं।
इस प्रकार की कार्टिलेज इम्ब्रॉयनिक स्केलेटन में पाई जाती है, जो भ्रूणीय कंकाल होता है। सबसे पहले जो बेबी बनता है उस प्रकार जो उसका टेक्सचर बनता है, संरचना बनती है, उसमें ये हाइलाइन कार्टिलेज पाया जाता है। यह कार्टिलेज मतलब जो अन्य कार्टिलेज होती है उनकी तुलना में इनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सी कार्टिलेज सबसे ज़्यादा होती है तो हाइलाइन होती है। और ये पाई कहाँ कहाँ जाती है, तो ये नोज में, लैरिंग्स में, ट्रेकिया में पाई जाती है। देखिए नोज तो आपको मालूम है, लैरिंग्स जो आपका ये वोकल कार्ड है, जो आपकी ग्रीवा है उसमें जो साउंड बॉक्स नीचे होता है लैरिंग्स, उसके नीचे ट्रेकिया, फिर ब्रोंकियाई, ब्रोंकियोल्स, ये रीजन होते हैं। ये आपकी जो गर्दन, अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो अंदर जो नीचे गर्दन के आंतरिक भाग होते हैं नीचे की तरफ, वही सबसे पहले लैरिंग्स, देन ट्रेकिया, उसके बाद ब्रोंकिया, ब्रोंकियोल्स होते हैं, लंग्स तक जाते हैं। तो उन रीजन में ये हाइलाइन कार्टिलेज पाई जाती है। आप देख रहे होंगे आउटर मोस्ट लेयर आपको इस फिगर में दिख रही है, पेरिकोंड्रियम की है। मैंने बताया था इसमें जो सेल पाई जाती है कॉन्ड्रोसाइट्स, वो भी आपको दिख रही होंगी, ये रीजन की सेल्स हैं। और ये सेल्स जिन भागों में स्थित है उनको हम लोग बोलते हैं लैकुना, जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है ये, इसको लैकुना बोलते हैं। तो ये आपका हाइलाइन कार्टिलेज ओवरऑल हो गया। ये अगली कार्टिलेज जो आपका है उसको बोलते हैं इलास्टिक कार्टिलेज, नंबर टू। यह कार्टिलेज ईयर पिन्ना, जो आपके कान होते हैं उनके ऊपर वाले भाग, पिन्ना, एपिग्लॉटिस, ये आपके जो नेक है गर्दन वहाँ पर पाया जाता है, और यूस्टेकियन ट्यूब, ये भी उसी के नीचे पाया जाता है गर्दन में, नेक वाले रीजन में, तो वहाँ पर ये इस प्रकार की इलास्टिक कार्टिलेज पाई जाती है। फिगर में भी आपको दिख रहा होगा, ये आपको जो पतले पतले फिलामेंट दिख रहे हैं यही इलास्टिक कार्टिलेज है। और कंड्रोसाइट सेल्स आपको पिंक कलर की दिख रही होंगी, ये हैं, ठीक, और लैकुना भी हैं आपके। तो ये ओवरऑल आपका इलास्टिक कार्टिलेज हो गया। इसके बाद जो तीसरा है उसको बोलते हैं फाइब्रस या फाइब्रो कार्टिलेज, या सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज होता है, सबसे मजबूत होता है, जो कि वर्टिब्रा के ज्वाइंट्स में पाए जाते हैं। देखिए वर्टिब्रा समझ लीजिए, जो पीछे बैकबोन हम लोगों की होती है, मेरु रज्जू जिसे बोलते हैं, उसमें अलग अलग वर्टिब्रा होती हैं सेगमेंट टाइप के, तो वो आपस में जिस कॉर्ड के द्वारा जुड़ी रहती हैं उसे फाइब्रो कार्टिलेज कहते हैं, इसीलिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं। अगर बैकबोन में जितनी भी अस्थियां हैं, बोन्स हैं, वो अगर मजबूती से नहीं जुड़ी होंगी तो एक दूसरे से अलग हो सकती हैं, ब्रेक हो सकती हैं, इसीलिए उनको जोड़ने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर या कार्टिलेज ज़रूरत होती है, तो उसी को फाइब्रस कार्टिलेज बोलते हैं। ये फिगर उसका है, ये कॉन्ड्रोसाइट सेल्स आपको दिखाई पड़ रही होंगी, और ये ओवरऑल फाइब्रो कार्टिलेज है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार कार्टिलेज आपका फिनिश हो गया। अब देखते हैं अगला बोन्स। बोन्स में मैंने बेटा सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे हैं जो पूछे जाते हैं, फालतू चीज़ें नहीं रखनी है आपको, ठीक, आपको सेलेक्ट होना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो सिर्फ सिग्निफिकेंट पॉइंट मैं यहाँ पर लेके आता हूँ जो एग्जामिनर देखना चाहता है, या जिनसे आपके कंपटीशन में क्वेश्चन बनेंगे उन्हीं पॉइंट को यहाँ पर मैं समराइज करता हूँ। बोन्स के अध्ययन को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। कई बार ये कई एग्जामों में पूछा गया है, ये के लिखा है, इस के का कोई मतलब नहीं है, टाइपिंग में मिस्टेक है। तो ऑस्टियोलॉजी जो होती है बोन्स की स्टडी बोलते हैं, स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला है वर्टिब्रेट की बोन में मुख्य जो कंपोनेंट होता है वो कौन होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। देखिए मेन कंपोनेंट कैल्शियम फॉस्फेट है, देन उसके बाद में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट एवं सोडियम क्लोराइड भी पाया जाता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है वर्टिब्रेट, हम लोग जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें वर्टिब्रा कॉलम, बैक बोन, मेरुरज्जू, ये सबके नाम हैं, ये अगर पाई जाती तो वो सारे वर्टिब्रेट हैं। वर्टिब्रेट में ह्यूमंस भी आते हैं, डॉग भी आते हैं, पीसीज भी मतलब मछलियाँ भी आती हैं, एम्फीबिया भी आते हैं, ठीक, तो ये सारे क्या हैं, वर्टिब्रेट जिनमें बैकबोन पाई जाती है। तो उनमें जिनमें भी बोन्स होंगी तो उनमें मेन कंपोनेंट कौन होगा, कैल्शियम आपका फॉस्फेट। इसके बाद बोन्स जो हैं वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्टिव टिश्यू हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्टिव टिश्यू कौन है, तो वो आपका कौन हो गया, बोन। इसके बाद में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है तीसरा, इसको लिख भी लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। मैमेलियन यानी जो स्तनधारी जीव होते हैं उनकी बोन्स में एक सिस्टम पाया जाता है जिसको बोलते हैं हेवेरसियन सिस्टम या ओस्टियोन। हेवेरसियन के नाम से क्वेश्चन बहुत आता है
कि ये हेवेरसियन सिस्टम क्या है। देखिए मैमल्स में, स्तनधारियों में, यानी हम लोगों में भी जो लंबी बोन होती हैं, लॉन्ग बोन, उनमें ये हेवेरसियन कैनाल या हेवेरसियन सिस्टम पाया जाता है, स्पंजी बोन्स में नहीं पाया जाता है। इसके फिगर को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं। देखिए बोन्स की जो ये बाहरी लेयर, उसको पेरिस्टोमियम बोलते हैं, और ये आपको बीच में जो दिख रहा होगा इसको हेवेरसियल कैनाल बोलते हैं, और इसके चारों तरफ हेवेरसियन लैमिला होती है। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर हेवेरसियन सिस्टम बनाती हैं। इसके बाद इंटरस्टीशियल लैमिला पाए जाते हैं, यानी लैमिला के बीच के भाग। उसके बाद जो सेल्स आपको दिख रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड ऑस्टियोसाइट, और नीचे जो इंडोस्टीशियम, और इसी के अंदर मैरो कैविटी होती है, जिसको हम लोग बोन मैरो बोलते हैं, अस्थि मज्जा, हड्डी के बीच में रेड रेड सा दिखता है। तो ओवरऑल ये फिगर मैंने आपको बता दिया। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हेवेरसियन सिस्टम मैमल्स की लॉन्ग बोन में पाया जाता है, मैंने पहले बता दिया। हेवेरसियन सिस्टम के अंतर्गत अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हेवेरसियन सिस्टम को बना रही हैं, उसमें आपका हेवेरसियन कैनाल हो जाएगा, लैमिला, लैकुना, ऑस्टियोसाइट और कैनालिकुलाई आते हैं। ओवरऑल इतनी चीज़ें मिलकर इस हेवेरसियन सिस्टम का निर्माण करती हैं। बोन्स के चारों तरफ लेयर पाई जाती है, जिसको पेरिस्टोमियम बोलते हैं, मैंने आपको बता ही दिया था। और बर्ड में जो खोखली बोन होती है उनको न्यूमेटिक बोन्स बोलते हैं। ये भी कई बार पूछा गया कि बर्ड में कई प्रकार की बोन्स पाई जाती है, कौन सी बोन टाइप दे देंगे आपको, तो आप लोग उसमें सेलेक्ट करेंगे न्यूमेटिक बोन्स। और हेवेरसियन सिस्टम मैमल्स के स्पंजी बोन्स में नहीं पाया जाता। देखिए याद रखिएगा, हेवेरसियन सिस्टम जो है वो मैमेलियल बोन्स में है, लेकिन लॉन्ग बोन्स में है, लेकिन जो स्पंजी बोन है उनमें ये इस टाइप का सिस्टम नहीं पाया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, आशा है आप लोगों को मेरा लेक्चर ये ठीक लगा होगा। मैं बेटा जितनी भी इम्पॉर्टेंट या लगता है कि ये पूछी गई है, या मैं स्टडी करता हूँ कई किताबों से, देखता हूँ कि विगत वर्षों में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, उन्हीं को लेके आता हूँ, फिगर भी ऐड कर देता हूँ, जिससे किसी भी प्रकार का आपका कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो इसके बाद जो कनेक्टिव टिश्यू का वीडियो होगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो ब्लड से रिलेटेड होगा, पूरा ब्लड का उसमें एक एक चीज़ को क्लियर करूँगा कि ब्लड क्या है, कैसे बना है, ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, एक एक चीज़ को वहाँ पर बिल्कुल बताऊँगा। तो इसलिए उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा सा आप लोग शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको है या नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, थैंक यू।